आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान। हम जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से इंटरनेट क्रांति और ताकतवर होता सोशल मीडिया, खासतौर पर राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया ये संचार का दुनिया का एक सशक्त माध्यम बन चुका है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, ये सभी का सोशल मीडिया जैसे सशक्त माध्यम का अधिक से अधिक उपयोग हो, इस दिशा में उनका हमेशा आग्रह रहता है और उनके आग्रह को, उनके निर्देश का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया का हर क्षेत्र में मजबूत उपयोग करने के लिए हमारे प्रदेश की ओर से हमने आज कार्यशाला आयोजित की है। कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे ताकि नगद लेन देन के बजाय इसके माध्यम से लेन देन हो। सर, कोई नियामक न होने की वजह से भ्रामक जानकारी और प्रोपोगंडा वार से आप कैसे बच रहे हैं? नहीं, उसके भी रास्ते निकलेंगे। ये कोई भी नया सिस्टम जब अपनाया जाता है तो उसके कुछ माइनस पॉइंट भी रहते हैं, लेकिन उसको ठीक किया जाएगा। जनता को हो रही कैशलेस से जो व्यवहारिक परेशानियां हैं, उसके लिए क्या उपाय है? देखिए, उसको धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। अब एक तो पहले से कैश का फ्लो बढ़ा है और आने वाले समय में और बढ़ेगा, और बड़े लेन देन कैशलेस प्रणाली से जब होंगे तो नगद लेन देन के ऊपर का दबाव घटेगा। डिजिटल करेंसी यूज करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी संजीदा है और कार्यशाला का आयोजन कर जनता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अभिषेक पांडे, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।